नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं कर्नाटका की 20 अहम सुर्खियों पर। कोलबाउंड कर्नाटका को बजट 2023 में 5,300 करोड़ रुपए की सहायता मिली। मोदी के मैसूर कार्यालय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी कांग्रेस। चेक कर्नाटका जिम में गलत ब्रांडेड प्रोटीन पाउडर दिखाते हैं। कर्नाटका में एसीबी से लोकायुक्त को 1,400 मामले स्थानांतरित किए गए। पोस्ट कोविड कैंपस प्लेसमेंट, स्थानीय लड़कों और लड़कियों को बड़े वैश्विक प्रस्ताव मिलते हैं। सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए भाजपा विधायक उदारकर्ता बीएसवाई की तलाश करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व देने वाली पार्टी को वोट दें, कर्नाटका में आतिशी मार लेना ने किया आग्रह। कांग्रेस को कम से कम 130 सीटों पर जीत हासिल होगी, एमबी पाटिल का दावा। एमएलसी लखन जारकीहोली ने केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम लिए बिना उन्हें कर्नाटका प्रदेश सीबी कमेटी का अध्यक्ष बताया। जनता दल की हासन जिले की सूची 3 फरवरी को आएगी। टाइगर रिजर्व में फ्रंटलाइन स्टाफ को 3 से 7 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्नाटका के श्रीरंगपटना में तेंदुआ डरा हुआ है। धर्मस्थल सामूहिक विवाह समारोह 3 मई को। कर्नाटका सरकार ने मैसूर सर्कल में तेंदुए की टास्क फोर्स बनाने का आदेश जारी किया। मोबाइल पशु चिकित्सक क्लिनिक डेयरी किसानों के दरवाजे पर सेवाएं लाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर्नाटका में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की सहायता आवंटित की। बैंगलोर मैन सेसुलीली दुर्व्यवहार और टोडबार की हत्या के लिए गिरफ्तार। बैंगलोर इंटर कॉलेज प्रतियोगिता बस 4X बस फेस्ट पर बस परिवहन को बढ़ावा देना चाहता है। बैंगलोर झील घूमने जा रहे युगल को होमगार्ड ने प्रताड़ित कर 1,000 लोगों को बनाया। तुलू को दूसरी राजभाषा बनाने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए कर्नाटका फार्म पैनल। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।